नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसफार्मर का जो OTI WTI रहते हैं, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, इनका सिमुलेशन कैसे किया जाता है, इनका सेटिंग कैसे करते हैं, यानी जो अलार्म एंड ट्रिप का सेटिंग करते हैं, यानी कितना टेम्परेचर आएगा तो अलार्म आएगा और कितना टेम्परेचर आएगा तो ट्रिप आएगा, इनका सेटिंग कैसे करते हैं, फिर इनको सिमुलेशन कैसे करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसफार्मर का फिजिकल प्रोटेक्शन रहते हैं, जैसा कि OTI, WTI, बकल्स रिले, MOG एंड प्रेशर रिलीज वाल्व लगे रहते हैं। सारे इक्विपमेंट का कनेक्शन ट्रांसफार्मर का मार्शलिंग बॉक्स में किया जाता है, फिर मार्शलिंग बॉक्स से केबल के थ्रू ये जाता है। अब ट्रांसफार्मर का जो इनकमर ब्रेकर रहता है, प्राइमरी साइड का जो इनकमर ब्रेकर रहता है, इनकमर ब्रेकर पे इन सारे इनपुट को वहाँ पे दिया जाता है। मान लीजिए OTI का अगर अलार्म आ जाए तो अलार्म वाला जो रिले है ट्रांसफार्मर का इनकमर में, वो वाला ऑपरेट हो जाएगा, फिर ये अलार्म दे देगा। आप बस ऐसा सोचे कि आपका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो सेफ्टी इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, मान लीजिए लिमिट स्विच आप लगाते हैं और उसी लिमिट स्विच का आप कंट्रोल में उसका वायरिंग कर देते हैं, जब भी वो लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तब भी आपका मोटर बंद हो जाता है। अगर आपने कनेक्शन नहीं किया होगा, लिमिट स्विच तो ऑपरेट होगा लेकिन मान लीजिए लिमिट स्विच आपने बाईपास रख दिया है, तो आप लिमिट स्विच को जितना बार ऑपरेट करेंगे वो ड्राइव बंद नहीं होता है। सेम उसी टाइप का ये जो ट्रांसफार्मर का जो जितना सारा फिजिकल प्रोटेक्शन है, सारे फिजिकल प्रोटेक्शन को आपको ट्रांसफार्मर का जो इनकमर ब्रेकर है, इनकमर ब्रेकर के साथ उसको कनेक्शन सही तरीके से करना है। तो आप कैसे पता करेंगे कि कैसे आप OTI WTI का सेटिंग कैसे करेंगे, और फिर सेटिंग करने के बाद उसी सेटिंग पर, मान लीजिए आपने OTI का 60 डिग्री टेम्परेचर में आपने सेटिंग कर दिया है, यानी जब भी वो ट्रांसफार्मर का ऑयल 60 डिग्री टेम्परेचर आ जाए तो उस समय आपको अलार्म आ जाना चाहिए। तो आप कैसे पता करेंगे कि फिजिकल जब 60 डिग्री टेम्परेचर आएगा तो उस समय आपका OTI काम कर रहा है कि नहीं। 60 डिग्री में जब आएगा, मान लीजिए आपने 60 डिग्री सेट किया है, तो 60 डिग्री सेल्सियस जब आ जाएगा उस समय आपका अलार्म भी सही तरीके से आ रहा है कि नहीं। आपका जो अलार्म वाला रिले है ट्रांसफार्मर का इनकमर ब्रेकर में जो रिले लगाया है अलार्म के लिए, वो वाला अलार्म रिले ऑपरेट होता है कि नहीं, आप कैसे चेक करेंगे। सेम उसी तरह का WTI का भी अलार्म एंड ट्रिप को आपको कैसे सेट करना है, कैसे उसको चेक करना है। तो दोस्तों, OTI WTI का आप सेटिंग को कैसे सिमुलेट करेंगे, आप कब कर सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले ये काम करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर का शॉट डाउन करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर पूरी तरह से शॉट डाउन होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी लोड नहीं रहना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग इसका सेटिंग को चेक कर सकते हैं, इसको सिमुलेशन कर सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम होता है दोस्तों जब भी आप ट्रांसफार्मर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, उस समय पूरा आपका ट्रांसफार्मर शॉट डाउन में चला जाता है और ट्रांसफार्मर का इनकमर DC भी आपका ऑफ कर दिया जाता है। तो उस समय आप ट्रांसफार्मर का ये OTI WTI का सेटिंग को चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका बुकल्स रिले का आप चेक करना चाहते हैं, सिमुलेशन करना चाहते हैं, तो उसे भी कर सकते हैं। MOG और प्रेशर रिलीज वाल्व का भी आप लोग सिमुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं TV में बहुत सारा वायर लगा हुआ है, तो इसके लिए आपको ये जानकारी रहना चाहिए कि कौन सा वाला TV में कौन सा वाला वायर लगा है। OTI का अलार्म कौन सा वाला TV में लगा है, OTI का ट्रिप कौन सा वाला TV में आपका वायर लगा है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी रहना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप फिजिकली इसको आइडेंटिफाई करें कि कौन सा वाला वायर कहाँ पर लगाया है, उसके हिसाब से आप लोग इसे सिमुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैसे ये काम करता है, यानी ये जो OTI WTI का सेटिंग कैसे काम करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, नीचे आपका जो बड़ा वाला जो मीटर है उसके अंदर देखिए दोस्तों, दो छोटा छोटा इंडिकेटर लगाया गया है। यहाँ पे S1 जो है, S1 है अलार्म, S2 वाला है ट्रिप के लिए, यानी ये देख रहे हैं दोस्तों WTI का S1 S2। सेम उसी टाइप का राइट साइड वाला जो है OTI का, उसका भी S1 S2, यानी S1 हो गया हमारा अलार्म के लिए, S2 हो गया ट्रिप के लिए। तो ये दोनों को हम कैसे सेट करेंगे और कितना टेम्परेचर में सेट करेंगे दोस्तों अभी हम ये जो WTI का, इसका सेटिंग को हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। पहले ये था अलार्म 70 में था और ट्रिप 80 डिग्री सेल्सियस में था, लेकिन हमने अभी इसको
अलार्म इसका 80 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं और ट्रिप 90 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, यानी जब भी इसका टेम्परेचर 80 डिग्री आ जाएगा तब ये अलार्म दे देगा, और जब 90 डिग्री आ जाएगा उस समय ये ट्रिप कमांड दे देगा। तो देखिए कैसे इसको सेट करते हैं। उसको सेट करने के लिए आपका जो अंदर का जो पॉइंटर रहता है, अंदर का पॉइंटर को आपको सेट पॉइंट पे लेना है। जैसे कि S1 यहाँ पे अलार्म है, तो S1 का पॉइंटर को हमको 80 पे सेट करना है और S2 वाला जो ट्रिप का है उसको हमको 90 डिग्री में सेट कर देना है। तो ऐसे आप OTI का भी ऐसे सेम तरीके से आप उसे सेट कर सकते हैं, अलार्म एंड ट्रिप दोनों को। दोस्तों छोटा वाला जो दो पॉइंटर उसको सेट किया जाता है अलार्म एंड ट्रिप है, लेकिन दोस्तों जो बड़ा वाला पॉइंटर अभी देखिए ये 30 डिग्री पे दिखा रहा है, यानी अभी ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर वाइंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो जब भी ये पॉइंटर मूव करेगा, यानी जब भी ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर राइज करेगा, ये पॉइंटर धीरे धीरे मूव करेगा। 30 से 40 होगा, 40 से 50, 60, जब भी ये 80 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा उस समय देखिए यहाँ पे जो मर्क्यूरी दिया गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट कैसे होता है। यहाँ पे देखिए जब ये ट्रांसफार्मर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ये पॉइंटर 80 डिग्री पर आ जाता है, उस समय S1 का जो मर्क्यूरी रहता है, मर्क्यूरी के थ्रू ये NO कॉन्टैक्ट NC में कन्वर्ट हो जाता है। और देखिए दोस्तों मल्टीमीटर में उस समय ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है। सेम उसी टाइप का जब भी हम इसको 90 डिग्री पर ले लेंगे और इसको ट्रिप का हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, उस समय 90 डिग्री पर जब ले लेंगे S2 वाला जो मर्क्यूरी रहता है, S2 वाला कॉन्टैक्ट पॉइंट वो NC हो जाएगा। और आप मल्टीमीटर से TB से इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि फिजिकली ये 90 डिग्री पे कॉन्टैक्ट हो रहा है कि नहीं, NO वाला कॉन्टैक्ट NC में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, बस आपको ये चेक करना है। और इसको आप बहुत ही धीरे धीरे से करना है दोस्तों। अगर मान लीजिए 90 डिग्री पे आपने ले लिया लेकिन फिर भी ये कॉन्टैक्ट नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब है कि जो नीचे का आपका सेटिंग आपने सही नहीं किया है, और फिर आपको दोबारा से S2 को आपको सेटिंग करना पड़ेगा। जिसका भी आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है उसको आप दोबारा से नीचे वाला जो पॉइंटर है, छोटा छोटा पॉइंटर है दोस्तों, उसको आप दोबारा आपको सेट करना पड़ेगा। उसी तरीके से दोस्तों आप लोग MOG का भी आप लोग चेक कर सकते हैं, MOG का भी सिमुलेशन कर सकते हैं, बकल्स का भी कर सकते हैं, और जो PRP प्रेशर रिलीज वाल्व उसका भी आप चेक कर सकते हैं ये सही काम कर रहा है कि नहीं, यानी इक्विपमेंट से TB तक आप लोग उसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। फिर आप TB से आपका जो ट्रांसफार्मर इनकम और ब्रेकर वहां तक का भी आप सिमुलेशन कर सकते हैं दोस्तों हमने WTI का सिमुलेशन कर लिया। WTI का सेटिंग हमने रखा 80 डिग्री अलार्म, 90 डिग्री ट्रिप। सेम उसी तरीके से OTI का भी हमको सिमुलेशन करना है। OTI का अलार्म आपको रखना है 70 डिग्री सेल्सियस और ट्रिप को 80 डिग्री सेल्सियस पे सेट करना है। और ये सेट करने के बाद फिर आपको ऐसे धीरे धीरे घुमाना है दोस्तों, वो जो ब्लैक वाला पॉइंटर को आपको पूरा धीरे धीरे घुमाना है। धीरे धीरे घुमा के उसका जो रेस्पेक्टिव TB है, ये TB में आपको कंटिन्यूटी उसका चेक करना है, मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसका सेटिंग क्या 70 डिग्री अलार्म, तो 70 डिग्री तक इसको घुमाना है धीरे धीरे। फिर यहाँ पे आपका मल्टीमीटर में चेक करना है कि एक्चुअली ये NC कॉन्टैक्ट हो रहा है कि नहीं, और फिर 80 डिग्री तक लेना है। 80 डिग्री होने के बाद फिर उसका ट्रिप को आपको चेक करना है कि ट्रिप का कंटिन्यूटी हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आपको फिर दोबारा उसको सेट करना है। नीचे का जो दोनों पॉइंटर मैंने बोला था S1 S2 उसको आपको सेट कर लेना है। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग ट्रांसफार्मर का सिमुलेशन करेंगे। और ध्यान रखिए ये सब आपको जब भी आप ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से शॉट डाउन में हो, ट्रांसफार्मर चार्ज ना हो, उस समय आपको ये करना है। सबसे अच्छा समय होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जब आप करते हैं पूरी तरीके से ट्रांसफार्मर शॉट डाउन रहता है उस समय ये सब काम कर लेना चाहिए। और फिर ये काम खत्म हो जाने के बाद आप ट्रांसफार्मर को चार्ज करें, और चार्ज करने के बाद ओनली ट्रांसफार्मर को चार्ज करें दोस्तों, ना कि बोर्ड को। ट्रांसफार्मर चार्ज कंडीशन में आपको और एक बार इसको टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो आपको ये सब याद रहना चाहिए कि कौन सा वाला TB में कौन सा वाला वायर लगा है। अलार्म के लिए कौन सा वाला TB, ट्रिप के लिए कौन सा वाला TB, बकल्स के लिए कौन सा वाला TB, ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद ये शॉर्ट लिंक लेके आपको ट्रांसफार्मर चार्ज कंडीशन में इसको टेस्ट करना है। जैसा कि मान लीजिए इसका अभी अलार्म जा रहा है कि नहीं, तो अलार्म के दोनों TV को आपको ऐसे शॉर्ट करना है। शॉर्ट करके वहां पे ट्रांसफार्मर का अलार्म फ्लैग आ रहा है कि नहीं वो देखना है। ट्रिप को यहां पे शॉर्ट करेंगे तो वहां पे आपका ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाना चाहिए, यानी हर एक अलार्म ट्रिप को यहां पे आपको शॉर्ट करना है, और उसके हिसाब से आपका जो रिले रेस्पेक्टिवली रिले काम करना है कि नहीं वो चेक करना है।
तो ऐसे आप दोस्तों पूरा ट्रांसफार्मर का सिमुलेशन कर सकते हैं, उसका सेफ्टी प्रोटेक्शन को आप चेक कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत कुछ जानकारी आपको मिला होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। नमस्कार।